दोस्तों, आज की वीडियो बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हेयर स्ट्रेटनिंग के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना। और क्या सच में वैसलीन से हेयर परमानेंट स्ट्रेट होते हैं और इस चीज़ के क्या बेनिफिट है और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, ये सभी चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और इस वीडियो में जो इंग्रेडिएंट्स बताने वाला हूँ उससे रिलेटेड कुछ खास पॉइंट भी बताने वाला हूँ, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और कोई भी पॉइंट को मिस मत करना। और इस चैनल पर आप पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हो तो नीचे रेड कलर में आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आप इस चैनल का हिस्सा बन जाओ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने YouTube पे इस तरह की वीडियो पहले देखी होगी। वैसलीन में दूध की मलाई और ऑयल ऐड करने से आप हेयर पर इसे अप्लाई करोगे तो आपके हेयर परमानेंटली स्ट्रेट हो जाएंगे, इस तरह से आपको वीडियो में बताया जाता है। कई लोगों को तो ये सच लगता है, पर जरा दिमाग का यूज़ करके ज़रा सोचिए, अगर हेयर वैसलीन से ही स्ट्रेट हो जाते तो लोग केराटिन जैसी महंगी ट्रीटमेंट, रिबोंडिंग ट्रीटमेंट क्यों करवाते, सब वैसलीन लगा लगा कर हेयर को स्ट्रेट नहीं कर लेते। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल गलत है कि वैसलीन से हेयर स्ट्रेट होते हैं। लेकिन दोस्तों, हेयर पर वैसलीन दूध की मलाई लगाने से कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि वैसलीन से हेयर की स्प्लिट्स एंड प्रॉब्लम सोल्व होती है, हेयर स्ट्रोंगर भी होते हैं, वैसलीन से हेयर नरिश भी होते हैं। वैसलीन को स्कैल्प पर मसाज करने से हेयर की जड़ों में जो इचनेस की प्रॉब्लम है वो सोल्व होती है। और मिल्क क्रीम को भी हेयर पर अप्लाई करने के काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स हैं। मिल्क क्रीम में विटामिन ई, विटामिन के और आयरन जैसे तत्व मौजूद हैं। मिल्क क्रीम को हेयर पर अप्लाई करने से डैंड्रफ की प्रॉब्लम कम होती है। मिल्क क्रीम हेयर को स्मूथर और सफल बनाती है, यानी कि बहुत ही कोमल बना देती है हेयर को, जो कि ये बहुत ही अच्छी बात है। अब आपको बता दूं कि आपके हेयर कर्ली, ड्राई, डैमेज और डेंड्रफ की प्रॉब्लम है तो आप इस इंग्रेडिएंट्स का यूज़ कर सकते हो। और इस इंग्रेडिएंट्स को किस तरह से अप्लाई करना है और कैसे वॉश करना है, इस बात को ध्यान से सुनना, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। और दोस्तों, इस वीडियो पे मैं फर्स्ट बार 1000 लाइक का टारगेट रख रहा हूँ, तो इसे ज़रूर पूरा करवा देना। तो चलिए, अब कैसे बनाना है इस हेयर मास्क को। दोस्तों, थोड़ी सी अमाउंट में वैसलीन लेना है और उसमें दूध की मलाई को ऐड करना है और साथ में ऑयल को भी ऐड करना। ऑयल आप कोई भी ले सकते हो और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इस मास्क को पूरे हेयर पर और पूरे स्कैल्प पर अप्लाई कर लेना है और इसे 30 मिनट तक हेयर पर लगे रहने देना है। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स, सभी लोग ये गलती कर देते हैं कि जब हेयर को वॉश करते हैं तो वो शैम्पू का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन आपने ये वीडियो देख ली है तो आपको ये गलती नहीं करना है। शैम्पू से हेयर को वॉश नहीं करना है, ओनली वाटर से वॉश करना है और गर्म पानी का भी यूज़ नहीं करना है, नॉर्मल वाटर से ही इस मास्क को रिमूव करना है, तभी आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस मास्क को यूज़ करने के बाद आप अगले दिन हेयर को शैम्पू से वॉश कर सकते हो। इस मास्क से हेयर स्मूथर, शाइनर और डेंड्रफ फ्री होंगे, बट हेयर को स्ट्रेट नहीं करेगा। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हो कि इस इंग्रेडिएंट से परमानेंटली हेयर स्ट्रेट हो जाएंगे तो ये नामुमकिन है। अगर आपको हेयर नेचुरली स्ट्रेट करना है तो आपको वैसलीन को हटा के एक एग ऐड करना है, जिससे हेयर 20% तक हेयर स्ट्रेट दिखेंगे। हेयर को 100% स्ट्रेट करने के लिए रिबोंडिंग ट्रीटमेंट ही है और केराटिन ट्रीटमेंट से हेयर नेचुरल दिखते हैं। नेचुरल हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए एक मास्क बेस्ट रहेगा। तो ये थी आज की वीडियो इस वैसलीन को लेकर के, उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो जरूर कीजिए, जहाँ तक पॉसिबल होगा वहाँ तक मैं आपका आंसर भी दूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।